नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम का चैप्टर नंबर 13। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि टेली प्राइम में कैश बुक एंट्री किस तरह से की जाती है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो ये आप टेली प्राइम का अभी वीडियो देख रहे हैं, इसका कंप्लीट कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इसका जो सर्टिफिकेट है वह आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैश बुक एंट्री क्या होती है? ये कैश बुक एंट्री, चलिए जरा इसको जानते हैं। तो कैश बुक एंट्री का मतलब यह होता है कि जितनी भी कैश से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है आपकी कंपनी में, तो उसी ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो हम एंट्री करते हैं अपने टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर में, तो उसी को कहा जाता है कैश बुक एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी एंट्रीज़ दी गई हैं और ये सभी की सभी एंट्रीज़ आपकी कैश से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर राम गोपाल के नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी ने क्या किया है, इतनी सारी जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं ये करी हैं। और ये सभी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद इस कंपनी के पास जो कैश का बैलेंस बचा है वो बचा है 2012 रुपये। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, इन सभी एंट्री को टैली में पहले रिकॉर्ड करना है और उसके बाद ये चेक करना है कि क्या हमारे भी टैली में कैश का जो बैलेंस है क्या वह 2012 बचता है या नहीं। अगर 2012 ही कैश बैलेंस हमारे टैली प्राइम में बचेगा तो इसका मतलब ये आप समझिएगा कि आपने ये सभी एंट्रीज एकदम करेक्ट की हैं। लेकिन अगर आपका बैलेंस मैच नहीं हो पाता है तो आप ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एंट्री के अंदर आपने कोई गलती की है। ठीक है, तो उसको हम ठीक करेंगे। तो चलिए अब हम इसको करना सीखते हैं कि किस तरीके से आप इसे करेंगे। तो आ जाइए, टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे लाइसेंस पूछेगा, एजुकेशन मोड वाले लाइसेंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरी जो मैंने लास्ट वीडियो में एक कंपनी बना के आपको वाउचर एंट्री करना सिखाया था, तो वही कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम एक नई कंपनी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नई कंपनी? सिंपली ऑल्ट के साथ के बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखते हैं क्रिएट का मेन्यू ओपन हो गया। सिंपली इस पर क्लिक करके हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और वो कंपनी का नाम हम रख देते हैं इसी के नाम से। देखिए ये दिख रहा है ना, मिस्टर राम गोपाल, तो इसी के नाम से हम कंपनी का जो नाम है वो रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मिस्टर राम गोपाल। सो देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया। सिंपली मेलिंग नेम में भी यही रहने देते हैं, पटेल नगर मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, आपका जो भी स्टेट होगा, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इसे सिंपली एक्सेप्ट कर लेता हूं। और यहां पे भी मैं इस जीएसटी वाले ऑप्शन को नो करके इसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहां पे देखिए मिस्टर राम गोपाल वाली जो कंपनी थी वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इन सभी ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि इनकी एंट्री करने से पहले आपको इनके लेजर्स क्रिएट करने होंगे। अगर आप इनके लेजर्स को क्रिएट नहीं करेंगे तो आप ये एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साथ के साथ वाउचर एंट्री और उसके साथ के साथ ही आपको लेजर्स भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहली एंट्री देखिए यहाँ पे क्या लिखी है। पहली एंट्री लिखी है मिस्टर राम गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मतलब कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है, मतलब राम गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 8000 रुपये कैश के साथ। तो बताइए कि इसकी जो जनरल एंट्री है वह क्या बनेगी? तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब कैसे, देखिए कंपनी में कैश आया तो इस वजह से जो कैश अकाउंट होगा आपका वो डेबिट हो जाएगा और सिंपली राम के पास से क्या गया, कैपिटल। ठीक है, तो आप ये देखिए कंपनी में कैश आया और कैपिटल के थ्रू आया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, इसी की एंट्री इसमें करनी है। तो जरा ये भी बता दीजिए, जो ये मैंने अभी आपको एंट्री बताई है ये किस वाउचर में जाएगी? तो ये जो आपकी एंट्री है वह जाएगी F6 के अंदर, मतलब रिसिप्ट वाउचर में। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वाउचर्स में चले जाएंगे, देख रहे हैं वाउचर्स, सिंपली एंटर करता हूं और F6 बटन दबाता हूं रिसिप्ट का। तो देखिए मैंने यहां पे रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लिया है। यहां पे देखिए क्रेडिट पहले आ रहा है तो मेरे को यहां पे क्या डालना होगा, कैपिटल डालना होगा।
ठीक है, सिंपली अभी देखिए मेरे पास कोई भी यहाँ पे लेजर्स नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल ही रहा है, डायरेक्ट आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट की है ऑल्ट सी, तो आप इसको भी प्रेस करके सिंपली लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेजर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो गया, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कैपिटल का लेजर। सो मैंने यहाँ राइट कर दिया कैपिटल अकाउंट, देन इसके बाद सिंपली कैपिटल अकाउंट आपका जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है, याद रखिएगा, सिंपली इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो बन गया, और यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पे एंटर भी हो गया। ठीक है, कितने रुपए से बिजनेस शुरू कर रहे हैं? 8,000 से। ठीक है, एक बार मैं अमाउंट देख लेता हूँ, 8,000 है, देखिए ये रहा 8,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8,000 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में क्या आएगा? कैश, क्योंकि कैश के थ्रू आ रहा है हमारे पास। तो हमने देखिए ये एक एंट्री कर ली, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे एंट्री करनी है, वो भी लेजर के साथ। मतलब यहाँ पे हमने पहले लेजर्स नहीं बनाए, फिर उसके बाद एंट्री नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लेजर भी बना रहे हैं और साथ के साथ एंट्री भी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या है। ही बॉट गुड फॉर कैश। ठीक है, मतलब कंपनी ने क्या किया, सामान खरीदा कैश में। तो ये एंट्री आपकी क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब देखिए कंपनी ने सामान खरीदा, परचेज के थ्रू आ गया, और उसके बाद उसने कैश से पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे ये कैश परचेज हो रहा है। ठीक है, तो कैश परचेज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। तो ये एंट्री किस में जाएगी, ये एंट्री जाएगी आपकी पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ आइए, F5 प्रेस करिए, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो एंट्री अभी मैंने बताया था क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी देखिए आपने परचेज अकाउंट तो बनाया नहीं है लेजर में, तो सिंपली ऑल्ट सी बटन दबाइए और यहाँ पे बना लीजिए परचेज अकाउंट। ठीक है, तो देखिए मैंने बना लिया परचेज अकाउंट, किसके अंदर जाता है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट जाता है आपका परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए, देखिए आ गया यहाँ पे परचेज अकाउंट, देखिए जरा यहाँ पे अमाउंट क्या है, 5,000 का अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ 5,000। ठीक है, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश, क्योंकि कैश के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैश डाल दिया और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सेकंड एंट्री भी जो थी आपकी वो हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड फॉर कैश। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, सामान बेच रही है कैश में, तो ऑब्वियसली बात है जब आप कैश में कोई सामान बेच रहे हो तो कैश आपको रिसीव हो रहा है, मतलब कंपनी के पास कैश रिसीव हो रहा है और सामान जा रहा है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए मेरे को। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और ये एंट्री किस में जाएगी, ये एंट्री जाएगी आपकी रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि कंपनी के पास कैश जो है वह आ रहा है। तो आ जाइए यहाँ टेलीप्राइम में और F6 बटन दबाइए, रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। तो इसके लिए आपको लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी बटन दबाइए और यहाँ लिख दीजिए सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं आप या सेल्स भी लिख सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो मैं यहाँ सेल्स अकाउंट लिखता हूँ, इसे डालता हूँ सेल्स अकाउंट के अंदर। देखिए आ गया सेल्स, कितने की सेल्स थी जो देख लीजिए एक बार, 100 रुपीज़ की सेल्स थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ, और कितने पे फिर कैश आए आपके पास, 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट वाली जो एंट्री थी वह भी यहाँ पे कर दी है। ओके, सिंपली एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर लाल 360 रुपीज़। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर मनोहर लाल से कैश रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए मिस्टर मनोहर लाल आपके लिए क्या होंगे, डेटर कि क्रेडिटर? तो मिस्टर मनोहर लाल आपके लिए डेटर्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वह कौन होते हैं हमारे, वह होते हैं डेटर्स। ठीक है, तो हमें मिस्टर मनोहर लाल का भी लेजर बनाना होगा। ठीक है, और ये एंट्री कहाँ जाएगी, रिसिप्ट में जाएगी, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है कंपनी के पास। ठीक है, आ जाइए टेलीप्राइम में, रिसिप्ट वाउचर ओपन है ही, क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में ही तो मिस्टर मनोहर लाल आएगा, और डेबिट में तो कैश के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, तो यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल का आपको लेजर बनाना होगा। सिंपली ऑल्ट सी बटन दबाइए और बना लीजिए यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल। सो मैंने टाइप कर लिया मिस्टर मनोहर लाल, सिंपली मैं इसे डाल देता हूँ यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को मैं यहाँ नो रखूँगा और इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, कितना अमाउंट था, 360 का अमाउंट था, और यहाँ पे मैं कैश को रिसीव कर लेता हूँ डेबिट में। ठीक है, तो देखिए ये एंट्री भी आपकी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, पेड इंटू बैंक।
अब ये बताइए ये एंट्री कहाँ जाएगी। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपने बैंक में ही पैसे जमा करवा रही है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी आप अपने बैंक में पैसा जमा करवा रहे हों या फिर बैंक वालों को पैसे दे रहे हों अपने बैंक वालों को, ठीक है, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है और वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाती है, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। तो यहाँ पे पहले मेरे को एंट्री बताइए, जनरल एंट्री बताइए क्या बनेगी इसकी जनरल एंट्री। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक वालों के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट और आपके पास से कैश गया, तो इसी वजह से कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बैंक को पैसा पे कर रहे हैं, पेड इन टू बैंक 3000 रुपीज़। ओके, आइए टैली में और यहाँ F4 बटन दबाइए। तो देखिए ये रहा कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे आ गया आपका। क्रेडिट में क्या बताया था मैंने आपको, क्या आएगा क्रेडिट में, कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है। कितना था कैश, 3000 रुपीज़, ठीक है, 3000 रुपये। और यहाँ डेबिट में क्या आएगा, बैंक, जो कि हमने अभी बनाया नहीं है लेजर उसका, तो बना लेते हैं। ऑल्ट सी बटन प्रेस करिए और बना लीजिए यहाँ पे बैंक अकाउंट। सिंपली इसे हम डालेंगे कहाँ, बैंक अकाउंट के अंदर, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट में 3000, इसे एंटर करके इसी तरीके से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा बस, और बस ये आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एंट्री भी आपकी हो गई। चलिए आइए नेक्स्ट एंट्री देखें यहाँ पे क्या लिखा है, पेड कैश टू हरिकृष्ण। अब आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसको, हरिकृष्ण को 215 रुपये। तो हरिकृष्ण आपके लिए कौन हुआ, डेटर की क्रेडिटर, ये जो हरिकृष्ण है ये आपके लिए हुआ क्रेडिटर, क्योंकि जो हम किसी को पेमेंट करते हैं, जिस बंदे को हमें पैसे देने होते हैं, तो वो बंदा हमारा क्या होता है, संडरी क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेमेंट वाउचर बनेगा इसका, ठीक है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी जनरल एंट्री बता दीजिए क्या बनेगी, सिंपल है, जनरल एंट्री बनेगी हरिकृष्ण डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम कैश दे रहे हैं हरिकृष्ण को, ठीक है। आज ये टेलीप्राइम में पेमेंट वाउचर ओपन करिए F5, ठीक है, यहाँ डेबिट आ रहा है। डेबिट में मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, हरिकृष्ण, हरिकृष्ण ही आएगा ना, एक बार देख लेता हूँ नाम, हाँ हरिकृष्ण नाम है। ऑल्ट सी बटन दबाइए, हरिकृष्ण का लेजर बनाइए यहाँ पे, हरी KISHAN किशन, ठीक है, किसमें जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, ये देखिए ये रहा। ओके, यहाँ बिल बाय बिल को ध्यान से नो कर दीजिएगा वरना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। देन यहाँ पे आ गया हरिकृष्ण, कितने थे, 215 रुपये थे आई थिंक सो, फिर भी देख लेते हैं हम कि हमारा अमाउंट गलत ना हो, ठीक है, 215 रुपीज़ ही है यहाँ पे। एंटर प्रेस करिए, यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं, सिंपली क्रेडिट में कैश हमारा गया और यहाँ पे ये हमने पेमेंट वाउचर भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए हरिकृष्ण के बाद है आपकी क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा और कैश रिसीव कर लिया, मतलब कैश में सामान बेचा 1500 रुपये का। तो ये एंट्री बताइए किस में जाएगी, तो ये एंट्री जाएगी आपकी F6 रिसिप्ट में, ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की F6 है, ठीक है। तो आइए टेलीप्राइम में रिसिप्ट वाउचर ओपन करिए, F6 प्रेस करिए और यहाँ देखिए क्रेडिट लिखा है। तो जनरल एंट्री बता दीजिए इसकी क्या होगी, सिंपली जनरल एंट्री तो इसकी यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ सेल जा रही है और कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है आपका क्रेडिट होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको सेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने सेल्स अकाउंट का लेजर ऑटोमेटिकली पहले से बना लिया है, तो आपको यहाँ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डाल दीजिए सेल्स अकाउंट कितने का था, 1500 का था, ये देखिए ये था 1500। ओके, मैं अमाउंट डाल देता हूँ 1500। ओके, और यहाँ पे कैश मैंने रिसीव कर लिए, डन, ये रिसिप्ट वाली एंट्री भी आपकी हो चुकी है। कितनी इजी है, आप देख रहे हैं एंट्री यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेशनरी के लिए पैसे पे कर रहे हैं। अब स्टेशनरी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि स्टेशनरी की दुकान, स्टेशनरी के सामान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्टेशनरी लिखने का मतलब ये होता है स्टेशनरी का सामान, जैसे कि पेन पेंसिल के लिए हम यहाँ पे पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री, ये बताइए पहले। तो इसकी जनरल एंट्री आपकी बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि स्टेशनरी का सामान हमारे पास आया डेबिट में और हमने पेमेंट कर दी कैश में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैश कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये कैश की ही आपकी बनेगी, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे कैश बुक एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, पेड फॉर स्टेशनरी। और हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो मुझे ये बता दीजिए कि जब हम लेजर बनाएंगे स्टेशनरी का, तो वो किसके अंडर जाएगा,
तो जो लेजर है वह लेजर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, खर्चे में जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी आपके लिए खर्चा ही तो है। आप पेन पेंसिल अपनी कंपनी में खरीद रहे हैं तो वो क्या है, आपके लिए एक्सपेंस ही है, ठीक है ना। तो आ जाइए यहाँ पे टेलीप्राइम में, पेमेंट है, F5 प्रेस करिए, पहले पेमेंट वाउचर, डेबिट में मैंने अभी बताया आपको क्या आएगा, डेबिट में आएगा आपका स्टेशनरी अकाउंट। सिंपली ऑल्ट सी का बटन दबाइए और यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट बना लीजिए, और इसे हम डाल देते हैं कहाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। सिंपली डाल दिया, एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ आ गया स्टेशनरी अकाउंट। कितना था, शायद 15 रुपये ही था, देख लेता हूँ एक बार, ये देखिए ये 15 रुपीज़। ओके, यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं हम, कैश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, हो गया ये स्टेशनरी वाला पेमेंट भी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, तो यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं ऑफिस फर्नीचर के लिए, ठीक है, जो कि 185 का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखो, हमें हमारे पास सामान का नाम हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऑफिस फर्नीचर अकाउंट और इसे कैश से पेमेंट कर देंगे, तो ये एंट्री भी आपकी पेमेंट में जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाउचर तो ओपन है ही, डेबिट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सिंपली ऑल्ट सी बटन दबाता हूँ और लेजर बनाता हूँ यहाँ पे, किसका, ऑफिस फर्नीचर। और उसके बाद इस ऑफिस फर्नीचर को भी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालूंगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से आपका खर्चा ही है, ठीक है। सिंपली मैं इसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कितना था ऑफिस फर्नीचर, एक बार चेक कर लीजिए, 185 का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 185 अमाउंट डाल देता हूँ और इसे कैश में पेमेंट कर देता हूँ 185 की, ठीक है। देखिए ये भी आपकी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश चंद। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर कैलाश चंद से 680 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कैश में ही रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक वगैरह चेक वगैरह कहीं लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कैश में ही है, ठीक है। तो पहले क्या एंट्री बनेगी इसकी, जनरलिटी बताइए, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं, किसके थ्रू, मिस्टर कैलाश चंद के थ्रू, तो कैलाश चंद जी क्रेडिट में आ जाएंगे। चलिए आ जाइए, और किस में जाएगी ये एंट्री, रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि रिसीव का काम हो रहा है यहाँ पे। ओके, F6 दबाइए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ देखिए क्रेडिट आ रहा है, तो आपको सबसे पहले लेजर बनाना होगा, किसका, मिस्टर कैलाश चंद का, ठीक है। ऑल्ट सी बटन दबाइए और यहाँ पे बना लीजिए मिस्टर कैलाश चंद। सो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया मिस्टर कैलाश चंद, और इसे मैं किस में डालूँगा, सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि मैं इससे पैसे रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो ये मिस्टर कैलाश चंद यहाँ पे क्रेडिट में आ गए, और अमाउंट कितना था, 680 रुपीज़ का अमाउंट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 680 अमाउंट, और कैश के थ्रू रिसीव कर रहा हूँ, तो सिंपली कैश मैंने रिसीव कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, कुछ ही एंट्री रह गई, अब 3-4 एंट्री है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, क्या बनेगी एंट्री, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और किस में जाएगा ये एंट्री, पेमेंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेड करने का काम कर रहे हैं, पेमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे F5 बटन प्रेस करिए, पेमेंट, और यहाँ पे डेबिट में एडवर्टाइजिंग अकाउंट आएगा। ऑल्ट सी बटन दबाइए और लेजर बनाइए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। सो देखिए यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग अकाउंट लिख लिया। सिंपली ये किस में जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के अंदर। सिंपली एक्सेप्ट करिए, कितने का अमाउंट था, शायद 80 रुपीज़ का अमाउंट था। ओके नहीं, 90 अमाउंट है, देख लीजिए यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे 90 रुपीज़ अमाउंट डाल देता हूँ और यहाँ पे कैश के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने एडवर्टीजमेंट का भी जो पेमेंट था वह कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज पोस्टेज स्टैम्प। अब यहाँ पे मैं पोस्टेज स्टैम्प को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो परचेज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी तो आपकी पेमेंट ही हुई। अब यहाँ पे बेशक लिखा नहीं है कि क्रेडिट है कि कैश है, लेकिन अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता तो सिंपल से हम समझते कि हाँ उधार की परचेज है, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा तो ये समझिए कि ये आपकी कैश की परचेज है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये बनेगा, और ये भी एंट्री आपकी कहाँ जाएगी, पेमेंट में जाएगी। तो आ जाइए यहाँ पे, पेमेंट वाउचर ओपन है ही, लेजर बना लीजिए पोस्टेज का। सो मैंने यहाँ लिख लिया पोस्टेज स्टैम्प, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रहेगा आपका। और ये कितने की पोस्टेज थी, देख लेता हूँ एक बार, 8 रुपये की पोस्टेज है, तो यहाँ 8 पास कर देता हूँ और यहाँ पे कैश के थ्रू इसकी पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टेज वाला भी पेमेंट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, पेड रेंट। अब यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, तो वही एंट्री बनेगी इसकी भी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट,
और ये भी पेमेंट ही होगी, 100 रुपीज़ का रेंट है याद रखिएगा। सो मैं यहाँ बना लेता हूँ पेमेंट में पहले लेजर रेंट अकाउंट, और ये भी जो होगा आपका रेंट अकाउंट ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज़ का रेंट था, पास कर देता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ कैश के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी पेमेंट हो गई है, ओके। सो नेक्स्ट एंट्री देखिए, यहाँ पे लास्ट एंट्री बची है जिसका क्या लिखा है यहाँ पे, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं 15 रुपये का, ठीक है। और इसका भी जनरल एंट्री आपका यही बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। तो चलिए बना लेते हैं, और ये पेमेंट है तो F5 वाउचर में ही जाएगा, मतलब पेमेंट वाउचर में ही। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके पहले मैं लेजर बना लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। सो देखिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बना लिया है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा आपका, और कितना था 15 रुपये का चार्ज था, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे कैश के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सभी एंट्रीज़ जो थी कैश वाली वो कर दी हैं यहाँ पे, ये सारा जो क्वेश्चन में जितनी भी एंट्री थी वो सब कर दी। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा कैश का बैलेंस है कंपनी में, कैश कितना पड़ा हुआ है, क्या 2012 कैश बैलेंस पड़ा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे जरा वो देख लीजिए। सिंपली पहले तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो रखा है, तो आप इसे स्किप करके पहले गेटवे ऑफ टैली में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ना ऊपर गो टू का एक ऑप्शन मिलेगा, देख रहे हैं गो टू, ठीक है। इसी के अंदर देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा कैश बैंक बुक, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा कैश बैंक बुक। सिंपली एंटर करिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना कैश बैलेंस आपके पास बचा हुआ है। तो देखिए मैंने एंटर किया, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, कैश इन हैंड 2012। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा आंसर है कैश बैलेंस का वह एकदम मैच हो चुका है, ठीक है। ये देखिए 2012 यहाँ पे भी है, ठीक है, ये देख लीजिए, और 2012 यहाँ पे भी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ सही से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। और इस वीडियो के साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, आपको उस क्वेश्चंस को करना है अपने टैली के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है ये वाला। अब आपको ये देखिए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, अलग कंपनी बनानी है इसके लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, उसमें ये एंट्री करनी है, और इसके अंदर कैश बैलेंस 3720 आपका मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, इसके अंदर भी आपका 1,08,200 बैलेंस मैच करना चाहिए। और उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए फोर्थ वाला, इसमें भी कई सारी एंट्रीज़ हैं, इसको भी आपको करना है। तो ये तीन क्वेश्चन मैं आपको टास्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके इसके जो बैलेंस है कैश बैलेंस अगर मैच हो जाते हैं तो समझिएगा कि आपने सारी एंट्री ठीक करी है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम आती है, मैच नहीं होता है आंसर, तो उस केस में आप दोबारा से एक बार अपने क्वेश्चंस को रीचेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने अमाउंट का गलती तो नहीं कर दिया। फिर भी उसके बाद आपका अगर आंसर मैच नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, फ़ोन करेंगे आप हमें, और मैं आपका एक जो क्वेश्चन होगा उसको देखूंगा कि आपने कहाँ गलतियाँ करी हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन आप हमें फ़ोन करने से पहले एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से मैं आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपका जो क्वेश्चन है वह चेक कर पाऊँगा। और जो वो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एनीडेस्क सॉफ्टवेयर, ये देख रहे हैं ये वाला सॉफ्टवेयर एनीडेस्क, ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, यही सॉफ्टवेयर है, इसी के माध्यम से मैं आपकी स्क्रीन को देख पाऊँगा, आपके क्वेश्चंस को चेक कर पाऊँगा। तो ये सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखिएगा, 2 से 3 MB का सॉफ्टवेयर, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसका नाम है एनी डेस्क, देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ एनी डेस्क, ठीक है, याद रहेगा उम्मीद करता हूँ, ओके। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि आप हमारे टैली प्राइम के कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसका कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो में आपको बताया गया है कि आप एडमिशन कैसे लेंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। सो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अभी के अभी शेयर कर दीजिए, और नीचे दिया गया लाइक बटन उसे क्लिक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है
ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को बना पाएँ। और आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।